हल्द्वानी में महिला दिवस के मौके पर युवा कांग्रेस ने महिला क्रिकेट मैच का आयोजन कराया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की तरफ से इससे पहले युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही 50 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश में हक और हिस्सेदारी को, हक और हिस्सेदारी की मांग को लेकर एक महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है। शिविर और जो महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने एक महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर महिलाओं का एक क्रिकेट मैच का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये जो महिलाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन सभी को एक हमारे एक युवा कांग्रेस की तरफ से एक छोटा सा आभार है उन सभी के लिए एक हमारी तरफ से सम्मान है। और इसी आशा करते हैं कि महिलाएं सशक्त हों और हमारा भारत सशक्त। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मंच इन लोगों ने हम लोग को दिया है कि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आ गई हैं, लेकिन उन्हें मंच मिलता नहीं, कोई किसी को जानता नहीं। इन्होंने आज हमें सम्मानित करके एक मंच दिया है ताकि लोग हमें पहचाने कि हम अपने अपने आसपास अपने लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। बात है कि आज यहाँ पर जो आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाया गया है, और मैं ये बहुत बोलना चाहती हूँ कि हमें सबसे ज़रूरी महिलाओं को अपने आप को कैसे सुरक्षित करें ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कभी भी कैसी भी दुर्घटना हो सकती है। हमें उसके लिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, और उसी में हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हमें आना ज़रूरी है, आत्मरक्षा आना ज़रूरी है। इसीलिए जगह जगह पर इस चीज़ का ऑर्गेनाइज कैंप लगाए जाते हैं और हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम महिलाओं को ये सिखा पाएं, ये महिलाओं को गुण बता पाएं कि कैसे वो अपने हाथ और पैरों से ही अपने आप का बचाव कर सकते हैं। हमारे महिला दिवस है हमारे यहाँ पर, तो उसी के उपलक्ष में आज एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें हम चाहते थे कि कुछ ऐसी महिलाएं जिनको हमारे समाज में उस लेवल से सम्मान नहीं मिल पाता है, तो हम चाह रहे थे कि जो छोटे छोटे स्वरोजगार को स्टार्ट करके उन्होंने कुछ ना कुछ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर विभिन्न समूहों की और अलग अलग संस्थाओं की महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्रों में कुछ काम कर रही हैं, तो उनको आज हमने यहाँ सम्मानित किया है। हमारे यहाँ पर 30 से 35 महिलाएं आज हमने सम्मानित किए, और साथ ही हमारे बीच में यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेयर और एक नेशनल प्लेयर हमारे बीच में है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जुजुत्सु में, एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, उनके द्वारा हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग रखवाई ताकि, क्योंकि हमेशा अपने साथ हथियार या ये सब चीज़ें लेके महिलाएं नहीं चल सकती, और जिस तरह से आज समय चल रहा है एक ट्रेनिंग उनके लिए ज़रूरी थी, तो 15 से 20 मिनट का हमने वो सेशन रखा। और साथ ही वुमेंस के बीच में क्रिकेट, वैसे भी आजकल टूर्नामेंट भी चल रहे हैं और उसी के लिए हमने आज प्रमोट करने के लिए आज क्रिकेट रखा है ताकि स्वास्थ्य से रिलेटेड भी वो आगे, मतलब उनके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहे, गेम्स खेले, गेम्स प्रमोट हो, उसके लिए आज क्रिकेट टूर्नामेंट भी।